हमें कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। इवन हम अपने डिमांड्स लेके जाते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर कहते हैं हम नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे इतने सारे बेरोजगार इंजीनियर्स बेचारे सड़कों पे आ गए अपनी फैमिलीज को लेके, इनकी कंसिडरेशन कोई नहीं कर रहा और ऊपर नेशनल इंटरनेशनल बात करना चाह रहे। तो हमारी दुख इस बात का है कि 25 दिन सड़कों पे फिरने के बाद भी आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए बनी है। अगर ये लोगों की भलाई के लिए बनी है तो लोग तो खज्जल हो रहे हैं सड़कों पे। मुझे समझ नहीं आई कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने के बाद हमसे कोई राय भी नहीं ली और ये इतना बड़ा फैसला कर दिया। इतने ये जो सड़कों पे लोग आए हैं, क्यों आए हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए ताकि हमारे लोग जो हैं फिर से अपना कोई निज़ाम चला सके। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये नहीं ऑर्डर वापस लो, ये नहीं ऑर्डर वापस लो, ये नहीं ऑर्डर वापस लो। हमें तो लगा था कि ये कोटा बढ़ाएंगे क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहे हैं और क्वालिटी हमारे काम की ज्यादा अच्छी है, बट ये पता नहीं कौन सा नेक्सस था, इन्होंने सारा मिलके इन्होंने ये खत्म ही कर दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, सबको इन्होंने बर्बाद ही कर दिया बिल्कुल। हमने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मांगा, हमने जॉब नहीं मांगा, हम खुद घर से पैसा लगा के अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हम ये काम कर रहे हैं। ये हम आत्मनिर्भर बने हुए थे खुद, ये गवर्नमेंट ने हमारी जो आत्मनिर्भर थी उस पर चोट किया है। गवर्नमेंट हमें आत्मनिर्भर नहीं देना चाहती, हम कहते हैं हम तो पहले से आत्मनिर्भर हैं। आज जम्मू के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अलग अलग जिलों से यहाँ पर सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोग आए हैं जिनको निकाल दिया गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। यहाँ आप देखेंगे पुंछ का बैनर भी है, राजौरी का भी है, कठुआ का भी है, जम्मू का भी है, उधमपुर से भी लोग हैं, सांबा से भी लोग हैं। मैं पहले जम्मू संभाग से बात करना चाहूँगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। सर क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। जगपाल जी, क्या आप अपनी तरफ से राय रखना चाहेंगे? आज सभी लोग आप इकट्ठे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। देखिए जी, हम 25 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी जवाब नहीं मिला है। तो आज हमने सोचा है कि हम जितने भी अपना नियरेस्ट जो है कोविड का है इसलिए दूर से नहीं आ सके, तो जो नियरेस्ट हमारी डिस्ट्रिक्ट थे तो सारी हमने एक जगह इकट्ठी करके तो आज हम फिर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहे हैं कि प्लीज़ जिस चीज़ को आपने हमें 16-17 साल से अपने साथ एंगेज करके रखा है, एकदम आप उसको कैसे रिवोक कर सकते हो? देखो, उसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए जहां हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये अबॉलिश क्यों हुआ है, कोई इसकी वजह होनी चाहिए। दुख इस बात का है कि 25 दिन सड़कों पे फिरने के बाद भी आज तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए बनी है। अगर ये लोगों की भलाई के लिए बनी है तो लोग तो खज्जल हो रहे सड़कों पे। ये कोई नहीं, कोई क्यों नहीं आता है? डिपकॉम के पास जाओ मेमोरेंडम देने के लिए, वो मेमोरेंडम नहीं लेता है। बीजेपी दफ्तर वालों के पास जाओ, वो कहते हैं जी हमने आपकी बात आगे पहुंचा दी है। अब हम बताएं तो हम जाए तो जहाँ कहाँ, बी टेक डिप्लोमा होल्डर्स पढ़े लिखे लड़के, वो जब हमारी उम्र नौकरी की थी तब इन्होंने हमें लगा दिया स्कीम पे, और जब हम ओवरेज हो चुके हैं अब ये कहते हैं जी तुम ये काम नहीं करोगे। आप बताओ, जो फैमिली हमारी इस पर डिपेंड है हम पे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या इन्होंने सोचा है? बिल्कुल, यहाँ पर पुंछ से भी जो लोग आए हैं उनसे भी बात कर लें हम। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम माजिद ननाज है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप का। जहाँ तक बात है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की, हमारी यही डिमांड है कि इसको रिवोक किया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग सड़कों पर आएंगे क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। यही एक अल्टरनेट जॉब था जो हमारे पास था। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, एक एक फैमिली के 5-5, 10-10 लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो सरकार ने ये जो इसको अबॉलिश किया है, क्यों किया है ये हमें समझ नहीं आई। ना तो ये कोई सैलरी का मसला था, या एक ठेकेदारी थी, ठेकेदारी के टेक्निकल इंजीनियर कर रहा था, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट भी थे इसमें। मुझे समझ नहीं आई कि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेने के बाद हमसे कोई राय भी नहीं ली
और ये इतना बड़ा फैसला कर दिया। इतने ये जो सड़कों पे लोग आए हैं, क्यों आए हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए ताकि हमारे लोग जो हैं फिर से अपना कोई निज़ाम चला सकें। बिल्कुल, ये सभी अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं। सर आप कहाँ से हैं? सांबा डिस्ट्रिक्ट से। सांबा से, क्या आप सांबा को रिप्रेजेंट करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहूँगा, जैसे आल जे एंड के सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन थी, उसके तले हम ये कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो GAD ने आर्डर निकाला था 752 आर्डर, उसमें रातों रात उन्होंने वॉलिश कर दिया हमारा कोटा जो था सेल्फ हेल्प, इवन के आइडेंटिटी ख़त्म कर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों की। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, हालांकि हमने हर जगह अप्रोच किया, हमें किसी ने भी आज तक टाइम नहीं दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें कन्विंस कर दो कि आपने, हम बर्डन थे गवर्नमेंट के ऊपर, किसी वजह से कोई हम अलग चीज़ मांग रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम अपनी मेहनत करते थे, ठेकेदारी करते थे, पैसा घर से लगाते थे, उसके बाद काम कंप्लीशन हो जाता था। इवन के क्वालिटी नॉर्म्स एवरीथिंग, हर स्टेज पे इन्होंने हमारे टेस्ट चेक लगाए हुए, मतलब कोई भी फ्लॉ नहीं होने के बावजूद इन्होंने रातों रात उस आर्डर को अबॉलिश कर दिया। और दूसरा, जी हमें तक नहीं बताया कि उसकी वजह क्या है। हम तो कहते हैं चाहो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को कन्विंस कर दिया जाए, जहाँ हमसे कन्विंस, एक ओपन दरबार लगाया जाए जहाँ सारे इंजीनियर इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, गवर्नमेंट भी अपनी बात रखे। अगर वो हमें कन्विंस कर देते हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हमारा कोई गलती थी। जब हमें कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, इवन हम अपने डिमांड्स लेके जाते हैं तो हमारे ही जम्मू कश्मीर के लीडर कहते हैं हम नेशनल इंटरनेशनल मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे इतने सारे बेरोजगार इंजीनियर्स बेचारे सड़कों पर आ गए अपनी फैमिलीज को लेके, इनकी कंसिडरेशन कोई नहीं कर रहा, और ऊपर नेशनल इंटरनेशनल बात करना चाह रहे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चीज़ को एड्रेस किया जाए, देखा जाए और जल्दी से वापस ले लिया जाए। बिल्कुल सर, आप उधमपुर से आए हैं? जी सर। पहले भी आपसे मैं बात कर चुका हूँ, तब भी आपने बड़ा एड्रेस किया था सभी लोगों को, क्या आप कहना चाहेंगे और क्यों अभी तक सरकार आपकी बात नहीं सर? ये पता ही नहीं लग रहा है इनको कि सरकार ने हमें आगे बताना है कि या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने बताना है, इनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है। इतने मतलब 16-16 साल से लोग हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, कई हैं जिनको 16-16 साल हो गए काम करते, कई हैं जिन्होंने नए कार्ड बनाए हैं, लोगों ने लोन लिए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको ये इनको मतलब क्या बनता है ये सब कैंसिल करने का स्कीम, क्योंकि खुद से काम कर रहे हैं, खुद से इन्होंने मतलब घर से पैसे लगा के लोन लेके लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि क्वालिटी नॉर्म्स ही सबसे अच्छे हैं, और हर जगह इन्होंने क्वालिटी चेक भी रखे हुए हैं, DC साहब भी हमारी मीटिंग्स लेते हैं, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर हर तरीके से काम अच्छा हो रहा, 3-3 महीने में DC साहब के साथ मीटिंग होती थी, मंथली मीटिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में होती थी, उसके बावजूद भी इनको पता नहीं क्या बनता कि अगर सिर्फ हम ले कह रहे थे इनसे कोटा ले रहे थे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट में काम लगते 30% कोटा था। हमें तो लगा था कि ये कोटा बढ़ाएंगे क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहे हैं और क्वालिटी हमारे काम की ज़्यादा अच्छी है, बट ये पता नहीं कौन सा नेक्सस था, इन्होंने सारा मिलकर इन्होंने ये ख़त्म ही कर दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने सारे लोग जो से जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, सबको इन्होंने बर्बाद ही कर दिया बिल्कुल। अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम तो एक बड़े लिए हमें पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी देर से इनसे मैसेज पहुँचा रहे हैं, इनसे पहुँच नहीं रहा है। अब या तो हम इन पे रोडों पे हैं या फिर मतलब हम भी कश्मीर की तरह पथराव करें, यही चाहते हैं, क्योंकि और तो कोई चारा हमें नज़र नहीं आता। आज हमें 25-26 दिन हो गए आज हमें, मतलब कितनी बार हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, कभी DC साहब को जाके मेमोरेंडम दे रहे हैं, कभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दे रहे हैं, ना किसी से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जिसके पास जाओ वो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये ऑर्डर निकाला किस लिए, उसको वापस लो। अगर आपसे नहीं लिया जाता वापस, तो हम भी रोड पर आगे इधर पत्थर मारे या रोडें बंद करें, ये सब करेंगे अब हम लोग। आज पूरी मतलब पूरी जम्मू डिवीज़न के साथ यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट का मतलब थोड़े थोड़े बंदे हमने बुलाए हैं, रिप्रेजेंटेंट थोड़ी आई है ताकि, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। और तो हमारी अब जिसके हाथ में भी ये, उसी से ये गुजारिश है कि इसको वापस लो, हमारा कोटा बहाल किया जाए ताकि हम भी अच्छे से काम करें और काफ़ी लोगों के घर आराम से चल पड़े, क्योंकि नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं। कहीं से नोटिस निकालते हैं हम पोस्ट नहीं निकालेंगे, हमारे पैसे कट ऑफ नहीं है, तो आपने जो काम निकाले उसी में कोटा दे दो ताकि हम खुद भी काम करें, चार बंदों को आगे भी रोज़गार दें। तो ये पता नहीं सर, अब जो भी इसका कर सकता है वो करे, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि उग्र प्रदर्शन ही होंगे, फिर और क्या होगा श्रीनगर की तरह, इधर ही वही हाल हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा, आप गवर्नमेंट जहाँ तो जान के ये करना चाहती है, जहाँ तो जल्दी से इसको रिवोक करें और हम भी कामकाज में लग जाएं। बिल्कुल, आप कठुआ से आए हुए हैं, क्या नाम क्या आपका? मैं नरेंद्र पाल सिंह, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन कठुआ की तरफ से। जैसे मेरे सभी बहनों बताया कि 10 अगस्त को एक गवर्नमेंट आर्डर निकालती है जिसमें एक लाइन में हमारा फ्यूचर इसमें स्पॉइल कर देती है। देखो 2004 से हम लगातार इस स्कीम से जुड़े थे, तब से लेके आज तक हमने ना तो गवर्नमेंट ने कोई जॉब मांगा, ना ही हमारा इंजीनियर कोई रोड पे गया। ये एक अल्टरनेट जॉब था, हमने गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मांगा, हमने जॉब नहीं मांगा, हम खुद घर से पैसा लगा के अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हम ये काम कर रहे हैं। ये हम आत्मनिर्भर बने हुए थे खुद, ये गवर्नमेंट ने हमारी जो आत्मनिर्भर थी उस पर चोट किया है। गवर्नमेंट हमें आत्मनिर्भर नहीं देना चाहती, हम कहते हैं हम तो पहले से आत्मनिर्भर हैं, हम खुद घर से पैसा लगा के हमारा 15,000 इंजीनियर बेरोजगार हो जाता है, उसके साथ उनके ड्राइवर्स, उनकी मशीनरी, कम से कम 1,00,000 आदमी जो इस इफेक्ट हुए इस ऑर्डर से। तो ये आपके माध्यम से, मेरे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि आप लोगों को रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, तो कम से कम जो आत्मनिर्भर है उनको तो मत चोट करो। हम खुद घर से पैसा लगा के अपना खुद करके हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को हम तो ये कहते हैं हमारी स्कीम इन्हांस होनी चाहिए, हमें ग्रेडिंग मिलनी चाहिए। हमें 15-15 साल इस लाइन में काम करते हुए अभी तक हमारी कोई ग्रेडिंग हुई, ग्रेडिंग करने तो अलावा दूर रहा इन्होंने जो हमारी 30,000 करोड़ था उसको वॉलिश कर दिया। हमारी ये मांग क्या है कि हम चाहते हमें ग्रेड किया जाए, ना कि हमें डिवोशन दीजिए। हम तो प्रमोशन मांगते थे कि हमें अपग्रेड किया जाए, हमारा ए क्लास किया जाए, हमें सुपर ए क्लास ग्रेडिंग की जाए। इन्होंने जो ग्रेडिंग करना दूर रहा, जो हम थोड़ी बहुत रोजी रोटी खा रहे थे वो भी छीन ली। हमारी मशीनरी रोड पे आ गई, हमारे वर्कर्स रोड पे आ गए, हम लोग रोड पे आ गए। हमने कोई जॉब नहीं मांगा, हमने कोई ना ही हमारे 10 साल से किसी इंजीनियर ने रोड पे कोई इस एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रदर्शन किया। हम ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हमें आत्मनिर्भर रहने दिया जाए। तो हम खुद कमा के खुद घर से पैसा लगा के लगा रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल से हमारी सरकार से अपील है कि इसको अबॉलिश किया जाए और हमारी अपग्रेडिंग की जाए। बिल्कुल, ये सभी लोग, मैं एक बार आपको फिर से ये सभी बैनर्स दिखा दूं, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, सांबा, कठुआ, जम्मू, सब डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो इंजीनियर्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कोविड को लेकर ये लोग ज़्यादा भी नहीं आए हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी एक रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूर कोशिश की है। इनके हाथों में अगर आप ये बैनर देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर इस बैनर को अपने साथ रखा हुआ है, हमें आत्मनिर्भर रहने दो। आत्मनिर्भर रहने दो का इनका जो सीधे सीधे संकेत ये है कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जहाँ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वहीं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी आत्मनिर्भरता की, जिसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अबॉलिश कर दिया है। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली कैमरामैन, अशोक बजाला के साथ, जेके मीडिया के लिए जय हिंद।